हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूँ 9th क्लास की मैथ, जिसके एक्सरसाइज है 9.3 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे कह रहा है, आकृति में त्रिभुज एबीसी की एक मधिका एडी पर स्थित कोई बिंदु ई है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ एबीई इज इक्वल टू एरिया ऑफ एसीई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि भाई हमारे पास एक त्रिभुज है जिसकी मधिका क्या है, एडी है। ठीक है, अब एडी पे एक बिंदु जो है वो ई हमको दिया गया है। अब इन्होंने ई के बारे में नहीं बताया है कि ये मध्य बिंदु है या नहीं है। ठीक है, फिलहाल इन्होंने कहा है कि एडी पर ये एक मध्य बिंदु है। फिलहाल इन्होंने ये कहा है बीसी का मध्य बिंदु जो है वो डी है, इसीलिए ये हमारी एडी जो है वो त्रिभुज एबीसी की क्या हुई, मधिका हुई है। अब हमें बताना क्या है, एबीई, ए बी ई मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ये चीज हमें बताना है। ठीक है, ये चीज हमें बताना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर पहला। तो हम यहाँ पे सबसे लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी की मधिका ए डी है। ठीक है, मधिका ए डी है हम यहाँ पे लिख देंगे। और चूंकि किसी त्रिभुज की मध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, तो भाई इस लाइन का मतलब यह हुआ कि एरिया ऑफ हमारा ए बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ए सी डी। मतलब ये जो मधिका हमारी बनी गई है, बनाई गई है, इससे क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इतना तो हमको पता चल गया है कि भाई इसका क्षेत्रफल इसके बराबर हो गया है। इसको हम समीकरण नंबर एक मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे भाई, हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये भी हमारा एक त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज है, अब ये हमारी मधिका गई है, तो ऑब्वियसली ये भी तो हमारी मधिका होगी, मतलब ईडी भी हमारी मधिका होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज चूंकि यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि ईडी एक मधिका है इसलिए ईडी भी एक मधिका होगी। ठीक है, ईडी भी क्या होगी, एक मधिका होगी। तो ईडी भी एक मधिका है, तो हम कह सकते हैं कि भाई ईडी जो है वो इस त्रिभुज, इस पूरे त्रिभुज को सी बी ई, ठीक है, ये जो हमारा बी ई सी त्रिभुज है इसको दो बराबर भागों में विभाजित करेगा। मतलब ये वाले जो पूरी लाइन जो है यहाँ पे हमारी दोबारा लिख दी जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ लेकिन आपको लिखनी होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, बी ई डी इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज तो नहीं लिखना है हमें, एरिया ऑफ ई सी डी। ठीक है, इन दोनों का एरिया जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, इस त्रिभुज का एरिया, इस त्रिभुज का एरिया बराबर किया, इस बार हमने इस त्रिभुज का एरिया इस त्रिभुज के एरिया के बराबर कर दिया। इसको हम समीकरण नंबर दो कह देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण दो, या लिख लो समीकरण एक से समीकरण दो घटाने पर,
ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, घटाने का मतलब क्या हुआ भाई, हमारे पास एक त्रिभुज है ठीक है, उसमें से हमने ये हिस्सा जो है हटा दिया, अब ये हिस्सा जो है घटा दिया या कह लो हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, यही हिस्सा तो बचा है, ये जो हिस्सा बचा है यही तो हिस्सा बचा है। ऐसे ही सेम हम क्या कर रहे हैं, इस त्रिभुज में से हम ये वाला हिस्सा जो है हटा दे रहे हैं, तो हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है वो बचने वाला है ठीक है। बचेगा तो क्या मिलेगा हमको देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी माइनस, अब ये इसमें से क्या माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी ठीक है, बराबर में क्या करेंगे, इधर हमारा क्या लिखा है, एरिया ऑफ ए सी डी ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, हमारा इधर क्या लिखा हुआ है, ई सी डी ठीक है, ई सी डी ये हम कर देंगे। अब इसमें से ए बी डी में से बी ई डी घटाना है, ए बी डी में से ई बी डी घटाना है, मतलब ये घटाया तो हमारे पास क्या हुआ, इस पूरे हिस्से में से ये घटाया तो हमारे पास ये बचा, ये बचा, ये क्या है हमारा, यही हमारा ए बी ई है, घटाने पे हमें क्या बचा, एरिया ऑफ ए बी ई ये हमारे पास बच गया। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ठीक है, एरिया ऑफ ए बी ई ठीक है। सेम इसमें भी ऐसा करेंगे, इस पूरे त्रिभुज में से ये हिस्सा हमने हटा दिया तो हमारे पास क्या बच गया, ए सी ई बच गया ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ए सी ई ठीक है। अब यही हमको प्रूव करने के लिए इन्होंने कहा था और ये चीज जो है वो हमने प्रूव कर दी है ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा पूरा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे।